जाना होता तो चौबीस कहीं चले जाते, हमें तो फिर हमने प्रोग्राम भेजा। अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सिक्योरिटी ने संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई, आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहली कहेगी नहीं। फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए। तो हमने कहा ठीक है। फिर रात को जब वो सिक्योरिटी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। तो अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच के। अब देखिए, हम नहीं भड़काते हैं, उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे। तो घर छावनी में आप लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी नेत्र। देखिए, इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच के डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप बने ना आ सकते। तीनों तो कुछ किया नहीं है। आप जा रहे पार्टी कार्यालय जाएंगे? हाँ, पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर, उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? बाकी लोग नहीं, बाकी लोग जो है ये था कि लोग आएंगे वो संभल के पास मिलेंगे। अब वो लोग अपना अपना, जब हमारे यहाँ ये है तो उनके यहाँ भी ऐसे पुलिस लगी होगी। हाँ, आखिर सर, सरकार संभल क्यों नहीं जाने देना चाहती? ये आप हमसे क्यों पूछते हो? सरकार से पूछो ना, आपके यहाँ के अधिकारियों से पूछो, संभल क्यों नहीं जाने देना चाहते?